हेलो स्टूडेंट, आई एम आशीष चावला एंड टुडे वी कंटिन्यू द टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। इन दिस क्लास वी डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, द फर्स्ट दैट इज रेक्टेंगल, second rhombus and the third is square. Now first of all we discuss about rectangle. So what is a rectangle? Rectangle is a parallelogram. It is a parallelogram whose all angles are of 90 degree. रेक्टेंगल क्या है? एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरह से हो सकती है। लेट्स से दिस इज अ रेक्टेंगल, इट्स ऑल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। एज रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सो इट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट द रेक्टेंगल्स इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल and opposite angles are equal as well as the diagonal bisect each other. Why? Because rectangle is a parallelogram, so it will acquire all the properties of rectangle. There is one more special property of rectangle, is that the length of the diagonals, length of diagonal are equal, length of the diagonals are equal. Rectangle mein diagonals ki length equal hoti hai. लेट्स से इसका हम प्रूफ देखते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव गिवन, दैट अ रेक्टेंगल इज गिवन टू यू, अ रेक्टेंगल, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। देखें कैसे प्रूफ करते हैं। लेट्स से सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। लेट्स से इट इज अ रेक्टेंगल गिवन टू अस, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। हमें प्रूव करना है डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है, दैट इज ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स सी द प्रूफ। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल में डी ए इक्वल्स टू बी सी। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड द साइड ए बी इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, हमें पता ही है। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, डी ए इक्वल्स टू बी सी, ए बी कॉमन और ये दोनों एंगल्स क्या है 90, यानी हम देखते हैं डी ए इक्वल्स टू बी सी, दैट इज डी ए इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स एंड डी ए बी एंगल, दैट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री एज वेल एज सी बी ए ऑल्सो 90 डिग्री। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी ए एंड बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट डी बी इक्वल्स टू सी ए, डी बी इक्वल्स टू सी ए, दैट इज बाय सी पी सी टी। सो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। इसका कन्वर्स क्या होगा स्टेटमेंट का? व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट? नाउ वी सी द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। कन्वर्स इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल, देन द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ये इसका कन्वर्स होगा। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज गिवन टू अस? वी हैव गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज ए सी इक्वल्स टू
बी डी, ये हमें गिवन है। लेट्स ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमें गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं अगर उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हों। सो अगर हमें ए बी सी डी को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज हमें ये प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। लेट्स सी द प्रूफ। सबसे पहले तो हम ए सी और बी डी को कनेक्ट कर देंगे। नाउ कनेक्ट ए सी एंड बी डी। अगेन हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि डी ए इक्वल्स टू सी बी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमन, और डी बी इज इक्वल्स टू सी ए, दैट इज गिवन टू अस। लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका डी ए बी का जो एंगल ए है वो सी बी ए के एंगल बी के बराबर होगा। वी कैन सी दैट डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। ओके दैट इज दिस वन डी ए बी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू सी बी ए, बोथ आर इक्वल। बट देयर सम, बट डी ए बी प्लस सी बी ए शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर द को इंटीरियर एंगल सम। को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट्स वाई। सो फॉर हियर वी कैन से दैट फ्रॉम यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी कैन से दैट ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी ए बी इज 90 डिग्री। सो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल डी ए बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। सो अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है। और हमने ये भी देखा कि अगर पैरेललोग्राम के डायगनल्स की लेंथ इक्वल है तो इट इज अ रेक्टेंगल। नाउ वी डिस्कस अबाउट रॉम्बस। सो व्हाट इज अ रॉम्बस? रॉम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे हम रॉम्बस बोल सकते हैं। तो रॉम्बस की शेप इस तरह से होगी कुछ, ऑल साइड्स इक्वल। क्योंकि हम रॉम्बस को एक पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, सो इट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा रॉम्बस की अपनी एक खुद की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रॉम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस, हाउ वी कैन प्रूव दिस। सो व्हाट इज गिवन टू अस, दैट ए बी सी डी इज रॉम्बस, ये हमें गिवन है। ए बी सी डी इज अ रॉम्बस इज गिवन टू अस, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दैट वी हैव टू प्रूव। लेट्स अगर इसका मैं फिगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से, लेट्स ए रॉम्बस है, ए बी सी डी, ये डायगनल बना दिया ए सी, और ये डायगनल बी डी। लेट्स ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओ, रॉम्बस है गिवन है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी सही, ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे डी ए ओ एंड ट्राइंगल डी सी ओ, दीज टू ट्राइंगल्स यू हैव टू कंसिडर। नाउ इन दो ट्राइंगल्स में हम क्या देख रहे हैं, एक तो डी ए इक्वल्स टू डी सी, दैट इज गिवन टू अस बिकॉज ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, एंड डी ओ इक्वल्स टू डी ओ कॉमन, एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। वाई? बिकॉज इन पैरेललोग्राम द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो दीज टू आर इक्वल, सो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी बिकॉज डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल डी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ओ, ट्राइंगल डी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ओ, एंड फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से दैट एंगल ओ ऑफ डी ए ओ
is equal to angle O of DCO. So we can say that DOA is equal to angle DOC. Both are equal, and because AC is a straight line, so their sum is 180 degree. So from these two statements, we can say that twice of angle DOA is equal to 180 degree. So angle DOA is equal to 90 degree. So DOA kitna ho jayega? 90 degree. That is this one. This angle is 90 degree. और यही मैं प्रूव करना था कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे. तो रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव द रिवर्स ऑफ दिस, कन्वर्स ऑफ दिस. सो व्हाट शुड बी द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट? दैट इज इफ इन अ पैरेलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन इट इज अ रोम्बस. व्हाट इज अ कन्वर्स? If in a parallelogram diagonal bisect each other at 90 degree, then it is a rhombus. तो वो क्या होगा? एक rhombus होगा. Now let's see the proof of this. So what is given to us? We are given ABCD is a parallelogram in which diagonal bisect each other at 90 degree. ये हमें given है. What we have to prove? That ABCD is rhombus. ये हमें prove करना है. So first draw the diagram. Let's say ABCD is a parallelogram given है हमें. और ये भी हमें given है कि इसकी जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect कर रहे हैं. तो ये दोनों equal हैं. ये दोनों equal हैं. और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये हमें गिवन है. दैट इज गिवन टू अस. सो लेट्स सी द प्रूफ. अगेन हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे डी ए ओ एंड ट्राइंगल डी सी ओ. इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करेंगे. सो हमें दिख रहा है ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन. एंगल डी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी. बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट इज गिवन टू अस अगेन. एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ सी. Why? Because diagonals of a parallelogram bisect. Diagonals of parallelogram bisect each other at 90 degree. So by side angle side criteria, triangle DAO is congruent to triangle DCO. And by CPCT, we can say that AD is equals to DC. DA equals to DC by CPCT. So अगर DA DC के बराबर हो गया, DA DC के बराबर हो गया, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती है, तो ये दोनों बराबर होंगी सही. DC equals to AB और DA किसके बराबर होगा? CB के. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो ABCD इज. सो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज स्क्वायर. सो स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल आर इक्वल. रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ओके, अब इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं. इसको हम स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसको हम रोम्बस बोल सकते हैं. सो स्क्वायर इट इज अ रोम्बस. एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज अ रोम्बस विथ ऑल एंगल्स 90 डिग्री. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. और रोम्बस को, सॉरी स्क्वायर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. क्योंकि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो एक तरह से रेक्टेंगल हुआ. सो वी कैन डिफाइन एज स्क्वायर एज इट इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल. इट इज अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल. अब जैसे कि डेफिनेशन में बता रहे हैं कि ये रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है. तो सो इट विल एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल. इट मीन्स
All the properties of parallelogram means opposite sides equal, opposite angles are equal, diagonal bisect each other. And since it is a rhombus, so its diagonal bisect at 90 degree. क्योंकि एक रोम्बस है तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी. जैसे कि हम स्क्वायर को डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक रोम्बस है तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज डायगोनल बायसेक्ट ईच अदर, तो वो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होगी. सो डायगोनल बायसेक्ट एट 90 डिग्री. और स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल रहे हैं तो जो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होगी. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, तो वी कैन से दैट डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. और इनके प्रूफ हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हमने रेक्टेंगल और रोम्बस के प्रूफ किए थे, सेम प्रूफ इनके भी हो जाएंगे. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू.